नमस्कार, मिंटो न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। विकास खंड सुल्तानगंज के प्राथमिक विद्यालय चंद्रपुर में प्रधानाध्यापक द्वारा मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 16 वर्षों से एक ही विद्यालय में जमे प्रधानाध्यापक सर्वेश कुमार के खिलाफ ग्रामवासियों ने मोर्चा खोला है। देखिए हमारे संवाददाता शिवचरण राजपूत की रिपोर्ट। विकास खंड सुल्तानगंज के प्राथमिक विद्यालय चंद्रपुर में प्रधानाध्यापक सर्वेश कुमार द्वारा खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्राथमिक विद्यालय चंद्रपुर में 16 वर्षों से जमे प्रधानाध्यापक सर्वेश कुमार द्वारा फर्जी तरीके से बच्चों का पंजीकरण करके 28 बच्चे दर्शाए गए हैं, जबकि विद्यालय में बच्चों की संख्या मात्र 8 से 10 ही है। विद्यालय में जबकि मिड डे मील ड्रेसों को लेकर रखरखाव की धनराशि भी हड़प की जा रही है। विद्यालय में गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है। खाना बनाने के कमरों में भी गंदगी का अंबार है। ग्रामवासी राहुल कुमार, दीपक कुमार, अमित कुमार, राजकुमार, राजीव कुमार आदि लोगों ने उनकी शिकायत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनप्रीत। तब आपके स्कूल में कितने बच्चे पंजीकृत हैं? बच्चे पंजीकृत हैं वो तो सभी आ रहे हैं। नहीं, कितने हैं पंजीकृत? संख्या 28 है। नहीं, विद्यालय में गंदगी बहुत है। अब गंदगी तो सफाई करवाई जाती है, लेकिन यहाँ आवारा पशु वगैरह आ जाते हैं, वो तो गंदगी करेंगे ही। बाउंड्री वाल है नहीं। नहीं, खाना डेली बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। कितने बच्चे लगभग रोज आते हैं? बच्चे आते हैं 20-25 बच्चे के लगभग। ठीक। बेटा नाम क्या है आपका? चांदनी। डेली पढ़ने आ रही हो? हाँ। कितने बच्चे हैं लगभग इसमें विद्यालय में? कुल 8। खाना डेली बनता है?